रात एक क्लास चल रहा था, सत्ताईस आठ 1964 गुरुवार, आठवें पेज के आदि में बात चल रही थी नालिसफुल गॉडफादर, तो उनको कहा जाता है जो बिल्कुल ही नालिजफुल हो, लक्ष्मी नारायण को तो नहीं कहा जाएगा, वो तो राज्य करते हैं। और उनको तो 84 जन्म लेना ही है, अगर शिव का जब चित्र देखेंगे तो बोलेंगे नहीं ये तो है बरोबर परमात्मा, इसमें कोई भी शक नहीं है। परंतु वो कैसे आता है ये भूल गए हैं। शिव बाबा का भले कोई ने पुराण बनाया हो, शिव पुराण, अगर कोई ने शिव पुराण बनाया तो भी तो जरूर कोई के शरीर में आया होगा। तब तो उन मनुष्यों ने बैठ करके लिखा होगा ना, कि न मनुष्यों ने जिन्होंने शिव पुराण बनाया होगा, ये बात तो पहले ही मुरली में बता दी कि अपनी अपनी कथा कहानी अपने अपने शास्त्रों में बैठ लिखी है। तो शिव पुराण बनाने वाला कौन हुआ? जरूर जिसमें प्रवेश किया वो ही शिव पुराण बनाने वाला हुआ। गीता भी जब कोई ने बोली है तब लिखी है, अगर शिव पुराण है तो शिव तो है निराकार, तो भला उसने पुराण कैसे रचा? यह वेद व्यास तो बैठ करके लिखने लगा, तो वो तो लिखने वाला हो गया। वो भी तो मनुष्य हो गया। उस समय में वेद व्यास का शास्त्र जो इतना बना हुआ है ये सब झूठे ही झूठे हैं, क्योंकि गीता के इन शास्त्र में पहले ही पहले झूठ लिख दिया, क्योंकि बहुतों के ऊपर वेद व्यास लिखते हैं। भगवान वेद व्यास ने शास्त्र लिखे तो जरूर जब गीता उसने लिखी है तो महाभारत रामायण इतने सभी सब व्याद वेश व्याद ने बैठ लेकर के लिखे होंगे। तो
ऐसी बातें तो कोई है नहीं हाँ उसने बैठ करके भक्ति मार्ग के लिए कुछ लिखा होगा परंतु फिर भी तुम बच्चों को उनके लिए कहेंगे हाँ ये भी तो अनादि हैं ये फिर भी तो कोई लिखेंगे जरूर तो व्यास भी कोई होगा जिन्होंने बैठ करके लिखा होगा परंतु है तो सभी भक्ति मार्ग के लिए क्योंकि वो पढ़ते आए हैं जरूर भला पढ़ते पढ़ते दुर्गति को तो चले गए ना कोई फायदा तो हुआ नहीं क्योंकि भक्ति मार्ग है भक्ति मार्ग के लिए तुम बच्चों को समझाना है कि ये है दुर्गति मार्ग क्यों क्योंकि सदगुरु से होती है सदगति और सदगुरु एक ही है बाकी सब है दुर्गति देने वाले तो भक्ति मार्ग में फिर कोई को आना चाहिए जो सदगति देवे तो सदगति दाता भी तो एक ही कह देते हैं जो सबको आकर के वापस ले जाते हैं तो बच्चों को जन्माष्टमी के दिन क्या समझावे ये जो श्री कृष्ण है वो तो मनुष्य है उसको ज्ञान सागर तो नहीं कह सकेंगे ज्ञान सागर तो हमेशा परमपिता परमात्मा को कहा जाता है उनको ही नालिशफुल कहा जाता है किनको परमपिता पिताओं में परम परे ते परे और फिर साथ में जुड़ा है परमात्मा अर्थात आत्माओं के बीच में परम पाटधारी उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे उनको ही नालिशफुल बरोबर गॉड इज नॉलेजफुल उनको कौन सी नॉलेज है जरूर रचयिता है बीज रूप है चैतन्य है और उनको ही कहा जाता है नॉलेजफुल ज्ञान का सागर किसने बोला है? ये वाक्य किसने बोले शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से बोले तो ये क्यों नहीं कहा कि मैं ही नॉलेजफुल हूं या मेरे को ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है उनको कह के दूर क्यों कर दिया जरूर भविष्य में आने वाला पार्ट है जिसमें आकर के प्रत्यक्ष होते हैं
जरूर आकर के नाली सुनाएंगे। और नॉलेज भी किसकी सुनाएंगे? झाड़ की नॉलेज सुनाएंगे, बीज की नॉलेज सुनाएंगे, ड्रामा की यानी नाटक की। नहीं तो किसी को भी पता नहीं है कि नाटक कब से शुरू हुआ और कब पूरा होता है, कोई को भी पता नहीं है। रिपीट करता है जरूर, पर इसकी याद क्या है ये नहीं जानते। वो भी समझते हैं कि सतयुग आज है और कलयुग अंत है। अभी सतयुग से लेकर कलयुग तक वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे चलती है ये तो कोई नहीं जानते। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये चक्कर कैसे रिपीट करते हैं? अभी ये सुना तो कोई भी जानता नहीं है, अभी ये सुनावे तो कोई जाने, जानता तो कोई नहीं। और ये सुनावे भी वो जो त्रिकालदर्शी हो। अभी त्रिकालदर्शी तो कोई नहीं है, बिल्कुल ही सिवाय एक के। तुम जानते हो कि तुमको ही बैठ करके त्रिकालदर्शी बनाते हैं और त्रिकालदर्शी वालों को ही तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है तीसरा नेत्र? किसको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। भाई इनको तीसरा नेत्र ज्ञाने का मिलता है, बाकी बुद्धि का नेत्र तो सभी को है। ये अंधे और सूरदास की तो कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा यहाँ आकर के ज्ञान देते हैं। प्रकृति में तो आत्मा रहती है, सत्ताईस आठ चौसठ की वाणी का नौवां पेज। तो प्रकृति में जो आत्मा रहती है उस आत्मा को दिव्य दृष्टि मिलती है, उसको ही कहा जाता है तीसरा नेत्र। अभी तुम बच्चे जानते हो और जो जो जानते हैं नंबरवार उन सबको तीसरा नेत्र है, है नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। देखो होते हुए भी कोई को तीसरा नेत्र नहीं है, और अगर कोई को है भी तो कोई चूचे हैं, कोई काने हैं, कोई कोझे हैं, कोई को तो फिर अच्छा नेत्र भी मिला हुआ है। ज्ञान के ऊपर है ना, कोई तो बिल्कुल ही अंधे का अंधा, कोई चूचा भी नहीं बना है, कोई है जो अंधे से चूचा बनते हैं, कोई को एकदम झुंझार कहें जो उनको ज्ञान समझ में नहीं आया है। सुनता तो हूं पर कुछ समझ में नहीं आता है। कोई को तो अच्छा मिलता है जो बैठ करके समझा सकते हैं। तो
तो ये जो तीसरा नेत्र ज्ञान का है वो भी तो नेत्र हुआ ना बरोबर देखते हो कि अभी तो सब को जल्दी तीसरा नेत्र खत्म हो जाता है और चश्मा पहन लेते हैं अभी वो तो नेत्र नहीं है ना इनको फिर समझाएगा कोई का नेत्र ज्ञान का बिल्कुल ही झुंझार है जैसे कि आत्मा का नेत्र बिल्कुल खुलता ही नहीं है कोई होते हैं ना जो कोई अंधे को थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं कोई डॉक्टर एकदम सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बिल्कुल ही अंधा है ये अभी कुछ सोजाग बन ही नहीं सकेगा बाप भी यहां समझाते हैं कि ये बिल्कुल ही अंधा है कभी भी इनको दिव्य दृष्टि का नेत्र मिलता ही नहीं है जैसे शायद मिलेगा ही नहीं यानी अंधे का अंधा रह जाएगा जो अंधे की औलाद अंधा था फिर वो अंधे ही उनको याद पड़ते रहेंगे तो अंधे की औलाद और तुम सज्जे की औलाद जिनको नेत्र नहीं मिलना होगा वो अंधे की औलाद अंधों को ही याद करता रहेगा तो बच्चों को ये जो अंधे की औलाद अंधे हैं उनसे तो ममत्व मिटाना है जब ज्ञान मिला है तीसरा नेत्र मिला है तो किसको याद करना है बाप को याद करना है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना है और अपने मर्तबे को याद करना है अगर अपने मर्तबे को या एम ऑब्जेक्ट को या मैं ऑब्जेक्ट को याद न करे तो फिर पढ़ेगा क्या मर्तबा याद ही नहीं है तो भी पढ़ते कुछ नहीं पढ़ते क्यों नहीं है क्योंकि बाप याद नहीं आता है उनको टीचर याद नहीं आता है टीचर याद आवे तो कुछ तो भला याद पड़े ना बहुतों को टीचर याद आता ही नहीं है तो वो पढ़ते ही नहीं है फिर उसका कारण समझाया जाता है कि बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ भटकती है तो विकारी बंधन में भटकते रहते हैं इसलिए उनको हम झुंझार कहेंगे जिनकी बुद्धि नहीं भटकती है फिर तो अच्छा होता जाता है मेहनत है ना इन सब बातों को समझने की क्योंकि ये बड़ा पद है ऊंची से ऊंचा विश्व का मालिक बनना भारतवासी ये जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था बिल्कुल ही अंधे बन गए हैं जानते जब हैं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो फिर अंधे क्यों बन गए क्यों नहीं जानते इनका राज्य कब था है बुद्धि चलती नहीं है
विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व धर्म और विश्व सतयुग में होगा या कलयुग में होगा, सारा विश्व कब होगा? जरूर कहेंगे कलयुग के अंत में। तो बिल्कुल ही अंधे बन गए। अभी देखो तुम कितने सज्जी बन गए हो। तुम जानते हो कि जो भी विद्वान आचार्य लक्ष्मीनारायण की पूजा करने वाले या मंदिर बनाने वाले बिल्कुल ही अंधे की औलाद, अंधे बुद्धिहीन। लक्ष्मीनारायण का चित्र बनाते हैं परंतु पता नहीं है कि लक्ष्मीनारायण का राज्य कब था। ऐसा कभी कोई मनुष्य देखा जो बिगर ऑक्यूपेशन कोई चीज बनावे? इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा, यानी गुड़ियों का जैसे मंदिर बनाते। पता नहीं है कि ये हैं कौन। चाहे तो लक्ष्मीनारायण का मंदिर बड़ा बनाओ या चाहे चित्र लगाओ, चाहे तो लक्ष्मीनारायण की कपड़े की गुड्डी भी बनाओ, बात एक रहती है। क्योंकि नॉलेज तो है ही नहीं। तो पीछे भले कितना भी बड़ा मंदिर बने पर नॉलेज नहीं है तो क्या फायदा? किस बात की नॉलेज नहीं है? किसके मंदिर की बात हो रही थी? लक्ष्मीनारायण के मंदिर की बात हो रही थी। शास्त्र में तो लिखा है लक्ष्मीनारायण का राज्य सतयुग में था, परंतु फिर कहते हैं लक्ष्मीनारायण विश्व के मालिक थे। तो क्या सतयुग में विश्व था? सतयुग में सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म होते हैं, विश्व धर्मों की आत्माएं तो होती नहीं है। तुम जानते हो कितने कितने करोड़पति हैं जो मंदिर भी तो ऐसे बनाएंगे ना, बड़े मंदिर माना बड़े बड़े आदमी, 27-8-64 की वाणी का 10वां पेज, तो उसको फिर कहेंगे बड़े अंधे बुद्धिहीन। इतना खर्चा करते हैं मंदिर बनाने पर, परंतु समझ में नहीं आता है कि हम क्या करते हैं। और ये मंदिर बनाने का पुरुषार्थ जो करते हैं, ये मंदिर में कौन है इससे हमको फायदा क्या होगा? तो भक्ति मार्ग में तो बहुत दर्शन करेंगे परंतु उनसे कुछ मिलता तो है नहीं। नहीं तो देखो शिव बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तुम अभी जान गए हो ये शिव बाबा का मंदिर, शिव बाबा तो सबको पढ़ाए रहे हैं, पहले हमको पढ़ाए रहे हैं। और ये तो इविल्स है। और यहां तुमको देखो ये पढ़ाए रहे हैं, तुम ऐसे कहेंगे ये तो बाबा जिनकी यादगार है वो तो हमको ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ा रहे हैं।
जहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, अरे ये तो हम बन रहे हैं पढ़ाई से, राजधानी स्थापन हो रही है, जगदम्बा तो हाजिर है ना, बरोबर। तो देखो क्या थे, अभी क्या बने हो, पूरे अंधे बुद्धिहीन थे और कितने सज्जे बन रहे हो, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे खुशी का पारा चढ़ते रहना चाहिए। तुम अभी जा सकते हो ना, कहा तुमको मना तो नहीं है कि अपना यादगार न देखो, क्योंकि ऐसे तो मनुष्य होते हैं ना, अपनी यादगार देखते तो है ना, यहां भी देखते। देखो नेहरू है, कुछ तो उनका यादगार जाकर देखते हैं कि हमारा यादगार बनाया हुआ है, ये नेहरू पार्क हमारी यादगार बना हुआ है, ऐसे कहेंगे ना। या हम देखते हैं कि हम जिस समय में सर्विस कर रहे हैं ना, उनकी फिर यादगार पीछे बनेगी। तो अपन को समझो, जो जो अच्छी तरह से समझने वाले हैं और समझते हैं कि बाबा ने आकर के हमको क्या से क्या बनाई दिया, एकदम आप समान नॉलेज फुल, बरोबर हम यहां से जाएंगे बाबा के पास गले का हार होकर के रहेंगे, हमको ज्ञान होगा, फिर बाद में प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तो जब तक मिले तब तक मिले, जरूर यहां से संस्कार ले जाते हैं। किस बात के हैं? जरूर यहां से संस्कार ले जाते हैं, पीछे ये संस्कार फिर बदल करके राजाई के आ जाते हैं। संस्कार कहां ले जाते हैं? ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं तो वहां शास्त्र लिखते हैं भक्ति मार्ग में, और यहां संस्कार बदल जाते हैं तो राजा ही पाते हो। तो तब तक तो ये होगा ना, बाप भी ज्ञान का सागर है, तुम भी गले के हार ज्ञान के सागर, वहां तक तो जरूर रहना चाहिए, भूल तो नहीं जाना चाहिए ना। तो संस्कार तो रहते हैं, 2500 वर्ष तक कौन से संस्कार रहते हैं? है? राजाई के संस्कार रहते हैं, परंतु ज्ञान के संस्कार मर्ज होकर के रहते हैं, रहते तो जरूर है। अभी जाते हैं बादशाही करने, तो बस बादशाही मिल गई फिर बादशाही के संस्कार शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ड्रामा में फिर बादशाही के संस्कार शुरू होंगे ना। ये संस्कार वहां तक ले जाएंगे, जैसे संस्कार साथ में ले जाते हैं जन्म लेते हैं, तो फिर दूसरे संस्कार आ जाएंगे।
मात पिता वगैरह सब दूसरे बन जाएंगे। तुम्हारा भी ऐसे ही है बरोबर, वहां स्वर्ग में मात पिता दूसरे बन जाएंगे। ये तुम्हारे यहां के मात पिता, फिर वहां के दैवी मात पिता बनेंगे। अभी ये ईश्वरीय मात पिता हैं, जो गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे, ऐसे कह करके ईश्वर को पुकारते हैं ना। जब कभी भी पुकारते हैं ना, तब ये राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को नहीं याद करेंगे। वास्तव में परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, क्योंकि पिता है ना। लक्ष्मी और नारायण कोई तुम्हारे थोड़े ही मात पिता हैं, वो तुम्हारे मात पिता रहेंगे क्या है? लक्ष्मी नारायण तुम्हारे मात पिता रहेंगे क्या? रहेंगे या नहीं रहेंगे है? अरे अरे वो राधा कृष्ण के मात पिता होंगे, तुम्हारे मात पिता थोड़े ही होंगे। वहां होंगे तो उनका एक ही बच्चा रहेगा, वो तो ऐसे नहीं कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये तो दिल में समझेंगे कि मैं शाहजादा हूं बरोबर। कौन समझेंगे है? हरे कृष्ण समझेंगे कि मैं शाहजादा हूं, तो पुकारेंगे थोड़े ही, ये कहेंगे थोड़े ही। और यहां भी कोई कहते थोड़े ही है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो बेहद के मात पिता की बात है। सब कोई कहते हैं, कंगाल भी कहेंगे कि मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। क्योंकि इस समय का गायन आत्मा में यादगार के रूप में चला आ रहा है। 27-8-64 की वाणी का 11वां पेज, तो ये भक्ति मार्ग में चला आता है एकदम। क्योंकि दुख हो जाता है ना, तो पीछे उनको सुख याद रहता है, याद पड़ता है, तो पुकारते हैं आओ बाबा, फिर आओ तो कितना पुकारते हैं। और आधा कल्प पुकारते पुकारते जब थक जाते हैं रामानुसार, तब बाप आते हैं, आकर के बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, है ना बरोबर। अभी दलाल के रूप में अभी समझा, दलाल का रूप जो गाते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल के रूप में मिला। वो जो गुरु लोग हैं वो दलाल के रूप में तो है नहीं, वो तो आत्मा से परमात्मा की सगाई तो नहीं कहते हैं, कराते हैं। वो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो एक ही सिखलाते हैं, वो तो सगाइयां देवताओं से कराते हैं। ये अपने से कराते हैं, बस हमको याद करते रहो, और बाप आकर के कहते हैं हमको याद करते रहो। तो बच्चों को याद है। अच्छा, आज भोग का दिन है,
परंतु इस कृष्ण जन्माष्टमी पर और गीता जयंती पर बहुत अच्छा समझाना होता है. शिव जयंती पर तो बहुत समझाना पड़े. तुम शिव कहते हो, वो तो है ही निराकार परमपिता परमात्मा, उनको परमात्मा कहा जाता है. अभी माला तो उनको कुछ है नहीं, जश्न तो नहीं करना है. शिव बाबा का तो कुछ जश्न अभी होता नहीं है. फिर भी श्री कृष्ण की जयंती पर दाल पूड़ियां खाते हैं, माल खाते हैं, शिव का रोट करते होंगे. और जाकर के मंदिर में भोग लगाते हैं. क्यों? भक्ति मार्ग में कृष्ण जयंती पर पूड़ी आदि बनाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे और शिव का रोट बनाते हैं. ऐसे क्यों है? शिव के हिस्से में रोट ला क्यों? है नहीं, रोटला कौन खाते हैं? जो गरीब होते हैं वो रोटला खाते हैं. नमक रोटी खा जाएंगे, मिर्ची से खा जाएंगे. तो शिव बाबा आते हैं, गरीब निवाज है तो गरीब में प्रत्यक्ष होगा या साहूकार में प्रत्यक्ष होगा? गरीब में प्रत्यक्ष होते हैं. इसलिए बोला कि शिव का रोट करते होंगे. घर में इतना क्या करेंगे, वहां जाकर के रोट लगा करके खाते हैं. कृष्ण जयंती पर तो बहुत माल खाते हैं, रोटला की तो बात ही नहीं. दीपमाला में भी तो बहुत मिठाइयां होती हैं, बहुत बहुत माल पकवान होते हैं, क्योंकि खुशियां तो वहां मनाई जाती हैं. दीपमाला की खुशियां मनाते हैं, क्योंकि ज्योति जगी थी, खुशियां मनाए रहे थे. हम वहां तो बहुत ही खुशियां मनाते हैं, क्योंकि वहां तो खुशियां ही खुशियां हैं. और ये उत्सव नहीं वहां मनाते हैं. कभी एक दिन मना लिया, कभी दूसरे दिन मना लिया, बस वहां तो खुशियां ही खुशियां. कोई बरस बरस दीपावली नहीं मनाई जाती है, बरस बरस कोई कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है. वो तो यहां बरस बरस भक्ति मार्ग में मनाते हैं. वहां तो एवर हैप्पी है, एवर हेल्दी है. अच्छा, टोली ले आओ बच्ची. टोली तैयार है बच्ची? जो जो भाषण करने वाला होगा या जो कुछ सेंटर चलाने वाले होंगे, तो कृष्ण जन्माष्टमी के समय हमको क्या सावधानी देना है? कि जब कृष्ण की जन्माष्टमी है, भले राधे की जन्माष्टमी थोड़ा पीछे मनाते हैं, परंतु मनानी तो दोनों की चाहिए ना.
लक्ष्मी और नारायण की दोनों की इकट्ठी बनानी चाहिए। दीपावली पर लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है तो दोनों को इकट्ठा पूजते हैं, एक को तो नहीं पूज सके। लक्ष्मी की पूजा करके नारायण को न पूजे तो ये तो बेकायदे बात हो जावे। इसलिए महालक्ष्मी को पूजते हैं। महालक्ष्मी माने लक्ष्मी और नारायण दोनों का कॉम्बिनेशन। महालक्ष्मी को चार भुजाएं देते हैं, क्यों है? है? दो भुजाएं नारायण की, दो भुजाएं लक्ष्मी की, चार सहायक करने वाले। अच्छा, स्थूल भुजाओं से मतलब है? है कि सहयोगी रूपी भुजाओं से मतलब है। तो भगवान के कार्य में चार सहयोगी बनते हैं, एक तो ब्रह्मा सरस्वती और दूसरे शंकर पार्वती। दूसरा नाम दे सकते हैं राधा कृष्ण अथवा राम सीता। तो ये चार भुजाओं रूपी सहयोगी हैं जो पूरे पूरे सहयोगी बनते हैं। तो उनकी यादगार दीपावली पर महालक्ष्मी के रूप में होती है। तो बोला एक तरफ में लक्ष्मी और दूसरी तरफ में वो भक्त बिचारे वो बात भी नहीं जानते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में भी है कि ये उल्टी सब बातें क्यों समझाते हैं भक्ति मार्ग में? क्योंकि उल्टी बातें समझाने से मनुष्य दुर्गति को पाते हैं। तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो कि वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह जो भी बैठ करके सुनाते हैं ये तो बाप ने कहा है, इनसे मेरे को कोई नहीं मिल सकता है, यानी भगवान के पास कोई आ नहीं सकते हैं, यानी मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकते हैं। ये बात कहाँ आई? गीता में ये बात आई है ना कि वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूं। तो ये बात कहाँ से निकलती है? वो गीता तो द्वापर में लिखी गई, क्या ये बात द्वापर से निकली है कि मैं वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं? कहां से निकली है? कैसे? ये मुरली है, ये जो मुरली है ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी निकली वो वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह इनके पढ़ने मात्र से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बीके वाले क्या करते हैं है? शास्त्री तो पढ़ते हैं, वो मुरलियों के पत्ते ही तो पढ़ते हैं, तो उन मुरलियों के पत्ते पढ़ने से उनको भगवान मिल गया क्या? भगवान तो नहीं मिलते। मनुष्य तो मुक्ति पसंद करते हैं ना। तुम किसको भी कहो कि स्वर्ग के सुख चाहिए, तो वो बोलेंगे कि नहीं,
स्वर्ग कोई है नहीं वास्तव में है, वो तो कहेंगे सत्युग त्रेता में भी दुख था, सत्ताईस आठ चौसठ की वाणी का बारहवां पेज, वहां भी दुख है, जैसे इस दुनिया में दुख है वहां भी दुख है। मुक्ति कहेंगे तो वो खुश होंगे, क्योंकि यहां तो सभी मुक्ति के लिए ही समझाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए तो कोई समझा ही नहीं सकता। ये भी एडल्ट्रेशन है जो मनुष्य जाकर के कहते हैं कि हम भारत का राजयोग सिखलाते हैं, प्राचीन राजयोग, और राजयोग तो कोई सन्यासी सिखला ही नहीं सकता। सन्यासी के वेश में वो लोग चले जाते हैं कि हम राजयोग भी सिखलाते हैं। अभी सन्यासी राजयोग कैसे सिखला सके हैं? जानते हो कि वो हठ योगी है और ये सन्यास कराते हैं, वो ही फिर राजयोग सिखलाते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। जरूर राजयोग तो फिर नाम ही देवताओं का रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? राजयोग से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने, तो देवताओं के ऊपर नाम रख दिया है, भूल कर दिया है खाली कृष्ण का, क्योंकि ये संगम है ना, शिव जयंती के बाद फट से आती है कृष्ण जयंती, ये राजधानी स्थापन हो और फिर लक्ष्मी नारायण। अभी लक्ष्मी नारायण भी कहना पड़े, कृष्ण भी कहना तो पड़ता ही है, वो लोग तो समझेंगे दोनों को मिला देते हैं, कृष्ण और राधे और वही लक्ष्मी नारायण, वो ऐसे समझ लेते हैं। ये समझानी भी बड़ी मुश्किल होती है ना, तो जो जो समझने वाले हैं वो सब बातें फिर छोड़ करके अपना राज्य बाप से ले लेते हैं, बाप को तो अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। हाँ आओ बच्ची, इस समय में अपन को सूक्ष्म बतन का ज्ञान है, मनुष्यों को मालूम है कि सूक्ष्म बतन भी होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां रहते हैं, क्योंकि तीन लोग तो कहते हैं ना, उसका ज्ञान तो कोई में नहीं है, मानते हैं तीन लोग, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन या इनकार्पोरियल सटल कार्पोरियल, आते हो देखते हो सब राज समझाते, तुमको पढ़ाने वाला सब कुछ साक्षात्कार करा के और समझाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो ये जाएंगे सूक्ष्म वतन, ऐसे नहीं कि यहां से इनको पहले मूल वतन में जाकर के फिर सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा, नहीं, ये यहां से सीधे सूक्ष्म वतन में जाएंगे। कौन है? कौन जाएंगे सूक्ष्म वतन में? है, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर और साथ में नंबर बार, तुम बच्चे भी पहले कहां जावेंगे, मूल वतन जावेंगे या सूक्ष्म वतन जावेंगे? सूक्ष्म वतन में जाना, यहां से सीधे बैकुंठ में नहीं जा सकते, पहले हमको मूल वतन जाना पड़ेगा, पीछे आएगा बैकुंठ। परंतु इस समय में तो मूल वतन में देखो, लंदन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो देख करके बताते हैं, ऐसे भी बाबा ने अखबार में सुना है, मनुष्यों से भी सुना है कि ऐसे भी कोई रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं,
अच्छा उन्होंने बहुत मेहनत की होगी जैसे रिद्धि सिद्धि वाले पूजा करके बहुत मेहनत करते हैं आग से भी ऐसे चले जाते हैं कोई के गुरु ने या शिष्य ने बोला कि हम तो पैदल पानी से भी पार हो जाते तो बोलता है हाँ तुमने तो बड़ी मेहनत की होगी भला इससे तुमको फायदा क्या हुआ ऐसा पानी पर चलने से आग पर चलने से तुमको क्या मिला कुछ ऐसे तो नहीं कि तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी नहीं अगर नहीं तो तुम्हारी सारी मेहनत तो फालतू हो गई तो जो भी मनुष्य मेहनत करते हैं वो तो सब फालतू करते हैं। सच्ची मेहनत तो सच्चा बाबा कराते हैं उनको भी कोई ने सिखलाया होगा परंतु वो तो सभी फालतू मेहनत मेहनत तो सच्ची अभी तुम कर रहे हो सच्चे द्वारा अब बाकी जो भी मेहनत है सभी झूठ उसमें कोई फायदा नहीं है रिद्धि सिद्धि वाले बहुत होते हैं बहुत लखपति हो जाते हैं करोड़पति भी हो जाते हैं रिश्वत से भी बहुत होते हैं रिद्धि सिद्धि से भी होते हैं बहुत है विलायत में डांस होता है बरोबर ट्रांस में जाते हैं ऐसे नहीं समझो बहुत रिद्धि सिद्धि वाले हैं जो साक्षात्कार कराते हैं हरिद्वार में एक है जो कृष्ण का रूप धरते हैं वो अपना नाम ही रख दिया है ऐसे जिसको कोई वक्त में पकड़ा गया था 27-8-64 की वाणी का 13वां पेज तो ये सभी है रिद्धि सिद्धि वाले अच्छा फिर समझो कि कोई कृष्ण का रूप धर करके बैठ जाते हैं जिनका भी कृष्ण में बहुत प्रेम होगा उनको उनसे साक्षात्कार हो जाएगा समझेगा ये कृष्ण है बस मरे उनके पिछाड़ी एकदम उनको गुरु बनाए देते हैं अभी वो तो वेश बनाए करके फिर बनते हैं सारा दिन और रात छत्र तो नहीं पड़ा हुआ है ना ये अंधश्रद्धा है ये भक्ति मार्ग में बहुत ही खिटपिट है बहुत ही फंस जाते हैं बहुत ठगी है भक्ति मार्ग में ये तो देखो सच्चखंड का स्थापना करने वाला एवरीथिंग रियल पढ़ना हो निश्चय हो तो पढ़ो नहीं तो आने की क्या दरकार है यहाँ पढ़ाई है फिर भी तुम्हारे हर सेंटर में पढ़ाई है और यहाँ ये अहम ऑब्जेक्ट है नरसिंह नारायण बनना है बात को याद करो बाप को याद किया तो तुमको वर्षा देंगे ही गीता में ये अगर बिल्कुल पूरा लिखा हुआ है मन मना भव मन मध्याजी भव मुझे अपने बाप को याद करो तो विष्णु का राज्य पाएंगे ये अर्थ तो बताते हैं ना अब ये कृष्ण क्या कहेंगे मेरे को याद करो कृष्ण याद में आवे तो कृष्ण कभी भूले ही नहीं इनको तो याद करने से फट भूल जाते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है हैं कृष्ण की याद जल्दी नहीं भूलती और बाप की याद फट से भूल जाती है क्या कारण है हैं बाप साधारण तन में आते हैं हैं और कृष्ण तो बहुत सजा सजाया दिखाते भले इनको याद करते हैं परंतु शिव बाबा बड़ा मुश्किल याद पड़ता है क्योंकि ये स्थूल है वो सूक्ष्म है तो बच्चों को साकार मम्मा बाबा झट याद आ जाते हैं वो जो निराकार जिसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता तो याद करने में बड़ी मेहनत है क्योंकि सूक्ष्म ते सूक्ष्म
अति सूक्ष्म है। अभी तो उनका भी लिंग विंग कुछ नहीं है, कहां है, लिंग विंग उड़ाई दिया है। तो अभी समझाने के लिए लिंग जरूर रखना पड़े, फिर उनका यथार्थ रूप क्या है, तो कहेंगे बिंदी, क्योंकि पूजा के मंदिर वगैरह बने हुए हैं। अभी लक्ष्मी नारायण को तो फेरा ही नहीं सकते, राधा कृष्ण को फेरा देवे तो उनको हम लोगों को फेराना पड़ता है। ये जो मूल है उनका, ये जो चित्र बनाया है वो रंग है, भले कृष्ण का बनाए देवे, क्योंकि राजा है लक्ष्मी नारायण जी, राजा रानी, राम और सीता का बरोबर चित्र ठीक है, उनका भी तो बनाए देते हैं ना, मान लेते हैं बरोबर ऐसे। अभी इनका जो हम बतलाए देते हैं ये बड़ी मुश्किल की बात है, इनके ऊपर चला चलाए करके पीछे उनको समझाने से फिर समझेंगे। इसको कहा जाता है यथार्थ। वो तो ठीक है कि राजा है, वो भी चंद्रवंशी राजा ही ठीक है, इनको फिर राजा बनाते हैं, देखो सो भी अभी आकर के फिर आया है, इतने दिन नहीं फिर आया है, क्योंकि गुह्य बातें हैं, गुह्य राज, गुह्य समझानी, अब आकर के समझते हैं। तो मैं बोलता हूं पहले से क्यों नहीं बोला, बाबा ने देरी से समझाया। बच्चों को ऐसी कोई भी डिफिकल्ट बात आती है तो बोलो बाबा तो समझाई रही है, और ये भी आगे चल करके बाबा समझाई देंगे, हम तो पढ़ रहे हैं, फिर अपन को चैलेंज देना पड़ता है, मुझने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि बाबा ऐसी नई नई बातें समझा रहे हैं तो हम समझते हैं। भला शुरू में क्यों नहीं समझाया, अरे शुरू में ही सब समझाए दें तो पीछे जहां जी है वहां पिए, ये पिछाड़ी तक कैसे चलेगा, जब तक जीना है तब तक पीना है, तो क्या बतावेंगे। जरूर नई नई बातें समझाते रहेंगे। अच्छा चलो बच्ची और बताना भी कौन कौन सी कील ले आए हैं। तो ये बाबा मम्मा जाने तुम इतना नहीं जान सकेंगी कि इसमें कौन कौन नंबरवार सी कील दे हैं, कौन कौन बाबा के अच्छे गुलाब हैं, कौन कौन अच्छे फूल हैं, ये तो तुम नहीं समझा सकेंगे। समझा सकेंगे क्या, वो समझ की बात है। अच्छा ओम शांति।